उत्तर प्रदेश के बरेली में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चंदेल गुट द्वारा प्रदेश नेतृत्व अभियान पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। संजय सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, 9 मार्च 2019 को सरकार के साथ हुई वार्ता में सहमति के बिंदुओं को लागू किया जाए, स्थानांतरण की ऑनलाइन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए सरलीकरण किया जाए, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की सेवाएं उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से जोड़कर उनको लाभ दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन आदि सभी प्रकार के अवशेष पारिश्रमिक के बकाया का भुगतान किया जाए, व्यवसायिक एवं कंप्यूटर अनुदेशकों को शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम कुंवर संजय सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का बरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश संगठन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 9 सूत्रीय मांगों का धरना आज 23/7 को पहले से ही हमारा जो जैसे प्रत्येक जिले में चल रहा है, ऐसे ही आज हमारा बरेली जिले में है। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं और उनमें प्रमुख रूप से जो मांग है, जो इस समय की ज़रूरत है, पुरानी पेंशन और चिकित्सा सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम लोगों को अवश्य चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि राज्य कर्मचारियों को सभी के लिए भी घोषणा की गई है प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन हमें शिक्षकों को ही इस सुख से पता नहीं क्यों वंचित किया जा रहा है, जबकि हम सब लोग कच्ची मिट्टी को सोना बनाने का काम करते हैं। हम राष्ट्र के निर्माण में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं, हम बच्चों को भारत का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार की इच्छा हम लोगों को चिकित्सा सुविधा देने की नहीं है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से, ज्ञापन हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जा रहा है, जो हम कलेक्ट्रेट में जाके जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करेंगे, और एक हमारा स्थानीय जो समस्याएं उनकी मांगों का ज्ञापन श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को भी प्रेषित किया जाएगा, इसीलिए आज हमारा ये धरना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।